नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए और एक वीडियो लेकर आया हूँ। ISR 380 गाड़ी का ये गाड़ी बीमार किया है, डिस्ट्रीब्यूटर खोलना है। तो देख लीजिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर खोल दिया तो डिस्ट्रीब्यूटर का बीमार कुछ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर से लीकेज हो रहा है। ये लीकेज बंद करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर खुला है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से पुराना वाला जो रिंग था ये काट गया, अभी नया वाला रिंग लगा रहा हूँ। और डिस्ट्रीब्यूटर से एक ग्रुप होगा, ये ग्रुप मिला के लगाना होगा ये ओ रिंग। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा रिंग लगा दिया, अभी डिस्ट्रीब्यूटर घुसना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर लगाने का आगे में जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर लगेगा यहाँ अच्छी तरह से पूछना चाहिए, क्योंकि लीक करेगा तो आसानी से देख जाएगा। तो अभी फाइनली डिस्ट्रीब्यूटर घुसाना है। तो देख लीजिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर में 3 एलेंकी बोल्ट रहेगा। ये एलेंकी बोल्ट 6 नंबर का है एलेंकी बोल्ट। तो डिस्ट्रीब्यूटर बोल्ट लगाने का आगे में डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छी तरह से मिला के घुसाना चाहिए। तो ये एलेंकी बोल्ट शायद मिला के घुसाना चाहिए। तो हमारा तीनों 6 नंबर का एलेंकी बोल्ट लग चुका है, अभी टाइट देना बाकी है। तो ये एलेंकी बोल्ट अच्छी तरह से टाइट देना चाहिए ठीक से, अगर ठीक से टाइट नहीं किया तो फिर लीकेज हो जाएगा। तो अभी हमारा एलेंकी बोल्ट टाइट हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूटर में हमारा जो घेयर ऑयल का लाइन है ये पाइप लगाना बाकी है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये अच्छी तरह से लगाना है, नहीं तो ये ठेठ स्लिप हो जाएगा। तो हमारा घेयर ऑयल का मेन पाइप लग गया, अभी टाइट देना बाकी है। तो हमारा घेयर ऑयल का जो पाइप है ये टाइट हो चुका है। तो अभी जो टेलर उठाने के लिए जो लाइन है ये ठीक से टाइट करना चाहिए, नहीं तो ये भी लीकेज हो जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये टेलर का लाइन है। तो हमारा सब कुछ टाइट हो चुका है, अभी स्टार्ट करके देखता हूँ लीकेज हो रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए दोस्तों, लीकेज नहीं हो रहा है। तो हमारा वीडियो भी ख़त्म हो रहा है, अगला वीडियो देखने के लिए ज़रूर इंतज़ार करना। थैंक यू दोस्तों।